हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव गार्डनिंग। मैंने अपने गार्डन के लिए कुछ नए प्लांट और प्लांटर परचेज किए हैं। चलिए दिखाती हूँ मैंने आज क्या परचेज किया है। पहला प्लांट जो मैंने परचेज किया है वो है ये सिंगोनियम। इसे एरोहेड प्लांट भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है और इसकी ग्रोइंग कंडीशन एज इट इज़ मनी प्लांट के जैसे होती हैं। आप इसे पानी में ग्रो कर सकते हैं या फिर सॉइल में। आप इसे लो लाइट में रख सकते हैं या फिर अच्छी अच्छी खासी लाइट में रख सकते हैं। ये कहीं भी अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट प्लांट जो हमने परचेज किया है वो है ये कलांचोम। इसमें फ्लावरिंग भी होती है और इसकी पत्तियां अपने आप ही देखने में बहुत सुंदर हैं। ये सकलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसलिए इसे पानी की नीड बहुत कम होती है। आप इसे हफ्ते में एक बार पानी देंगे तभी ये अच्छे से ग्रो करेगा और इसे वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। नेक्स्ट प्लांट जो हमने परचेज किया है वो है ये अरेका। मेरे पास एक पहले से ही अरेका था पर वो थोड़ा छोटा प्लांट था, इसलिए मैंने इस बार थोड़ा बड़ा अरेका परचेज किया है। अरेका पाम लो लाइट कंडीशन में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है और ये आपके घर में किसी भी कॉर्नर को हाइट देने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट जो हमने परचेज किया है वो है ये हैंगिंग बास्केट। ये देखिए, मैंने दो कलर में परचेज की है, येलो और ग्रीन। इसमें ऐसी आयरन की स्ट्रिंग दी हुई है इसे हैंग करने के लिए और ऐसा हुक दिया हुआ है। ये मीडियम साइज की हैंगिंग बास्केट है। मैं सिंगोनियम और कलांचियो को इन्हीं में लगाऊंगी। नेक्स्ट प्लांटर जो हमने परचेज किया है वो है ये टेराकोटा पॉट। ये थोड़े बड़े साइज का प्लांटर है, इसे हमने अरेका लगाने के लिए लिया है। पर हमने सारे प्लांट आज ही परचेज किए हैं, इसलिए इन्हें लगभग एक हफ्ते तक तो मैं इन्हीं प्लांटर में रखूंगी। ये प्लांट जिस पॉली बैग में आए थे ये उसी में रखे हैं, बस मैंने इन्हें सिर्फ हैंगिंग बास्केट और प्लांटर में रख दिया है ताकि ये मेरे घर के एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी।